हेलो एंड वेलकम। ग्रेट एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है एमडी समी। हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए महाबली योद्धा सीरीज, जिसमें हम आप लोगों को 1500 क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ये बहुत ही मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। मैं ये दावा करता हूँ कि इससे 99% क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे बच्चों। तो तैयार हो जाइए इस सीरीज के लिए। जो भी प्रिपरेशंस हम लोग करवा रहे हैं आपको, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, CRM, मार्केटिंग इकोनॉमिक्स, इन सभी के क्वेश्चंस हम लोग करवाने वाले हैं और करवा रहे हैं। और जो बच्चे ये डाउट पूछ रहे हैं कि जनरल साइंस में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा है, इनके भी क्वेश्चंस हम करवाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। सारे बच्चे तैयार हो जाइए। जो बच्चे अपने आप को जज नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपना प्रिपरेशन कितना कर चुके हैं, तो इस सीरीज से यह आपको जज करने में बहुत ही बेनिफिशियल होगा कि आपका प्रिपरेशन कितने अच्छे हो गए हैं या होने वाले हैं। और जो बच्चे अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एफिशिएंसी या एक्यूरेसी को नहीं बढ़ा पाए हैं, सीरियसली इस टेस्ट को दीजिए और अपने एक्यूरेसी और एफिशिएंसी को बढ़ाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स इज कॉमनली यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसको अटेम्प्ट कीजिए। 2 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। और जो बच्चे अभी तक पेन कॉपी लेके नहीं आए हैं, जल्दी से पेन कॉपी लेके आ जाइए और टेस्ट को स्टार्ट कीजिए और सीरियसली इस टेस्ट को दीजिए। आपको 2 सेकंड का टाइम मिलेगा इस टेस्ट के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और हमें नंबर जोड़ के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें यह आइडिया मिल सके कि हम किस तरह के क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आएँ। तो बच्चों, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर जो है, ये दोनों मिरर जो है स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। कॉनकेव मिरर जो है इनवर्ड फेसिंग होता है सेंटर के तरफ। यहाँ पे जितने भी इमेज रखेंगे आप, जितने भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, चाहे इन्फिनिटी पर रखिएगा आप, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखिए, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखिए, फोकस पर रखिएगा, तो सारे इमेज जो हैं रियल एंड इन्वर्टेड बनेंगे। एक पॉइंट ऐसा है, जब आप इमेज को फोकस और पोल के बीच में रखिएगा तो वहाँ पे जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। तो इस बात को आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, एकदम इसको ध्यान रखिएगा। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को अगर आप रखेंगे तो वहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही देगा। तो इसीलिए हम लोग व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, पीछे देखने के लिए इरेक्ट इमेज वो बनाता है और नज़दीक दिखाता है। जो भी ऑब्जेक्ट्स दूर होते हैं उसको पास दिखाएगा। तो इरेक्ट इमेज बनाने से ये होता है, और लार्ज व्यू इमेज बनाता है, बड़ा इमेज बनाएगा। तो इससे हमें क्या होता है कि जो भी पीछे आने वाला होता है उसको हम पहले देख लेते हैं कितना वो दूर है या नज़दीक है, इसका हमें आइडिया मिल जाता है। और प्लेन मिरर जो है ये इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनाएगा, जहाँ आप ऑब्जेक्ट रखेंगे उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है और इक्वल एंड अपोजिट इमेज बनेगा। जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज का इमेज बनेगा और अपोजिट बनेगा। अगला क्वेश्चन है, लाइम रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा टू लिबरेट विच गैस, कौन सी गैस को ये रिलीज करता है। इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि लाइम स्टोन को गर्म करके बनाया जाता है, हीट को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट होकर कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। और बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सोडियम कार्बोनेट बनेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, तो वो 2 कंपाउंड में टूट जाएगा, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिलीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन अ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट्स का कौन सा पार्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है अपने अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए। इसका आंसर है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा लीफ में प्रेजेंट होता है, ये विजिबल नहीं होता है नेकेड आई से, बहुत ही टाइनी पोर्स होते हैं, इसमें गार्ड सेल होते हैं, एपिडर्मल सेल होता है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो लीफ का इस पार्ट में गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और रूट से वाटर को लेता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पे करता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में।
क्लोरोफिल जो है ये लीफ में प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट है जिसके वजह से पत्ते हरे होते हैं और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में यही हेल्प करता है क्लोरोफिल। तो इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए इस धरती पे। अगला क्वेश्चन है, मिजल्स इज कॉज्ड बाई, किस वायरस के कारण मिजल्स होता है? इसका आंसर है रूबेला वायरस। तो रूबेला वायरस की वजह से मिजल्स होता है और पैरामायोक्सी वायरस की वजह से मम्प्स होते हैं, जो चेहरे पे पूरे शरीर पे मम्प्स निकल आते हैं, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। और वेरियोला वायरस की वजह से स्मॉल पॉक्स होता है और वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से चिकन पॉक्स होता है। तो ये सारे वायरसेस की वजह से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं इसको आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा। मैंने एक एक करके सारी चीज़ों को बता दिया आप लोगों को, फिर से आप सुन लीजिए। रूबेला वायरस की वजह से मिजल्स होता है, पैरामायोक्सी वायरस की वजह से मम्प्स आते हैं और वेरियोला वायरस की वजह से स्मॉल पॉक्स होता है और वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से चिकन पॉक्स होता है। अगला क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ पार्ट ऑफ ए प्लांट बॉडी, मतलब प्लांट बॉडी का कोई पार्ट है जो कि डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड। इसका आंसर है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू कोई भी प्लांट बॉडी जो है नए इंडिविजुअल्स को जन्म देता है ताकि अपने स्पीसीज को वो आगे बढ़ा सके। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना, मतलब अपने स्पीसीज को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं। तो जो भी प्लांट्स हैं या लिविंग थिंग हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं ताकि अपने स्पीसीज को वो फैला सकें और उसकी आबादी बढ़ सके। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है ये असेक्सुअल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल मेथड नहीं है, असेक्सुअल मेथड है, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये दो टाइप के होते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल मीन्स जो कि प्राकृतिक रूप से अपने आप सारी चीज़ें होती हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और नए स्पीसीज का जन्म होता है और आगे फैलते जाते हैं। आर्टिफिशियल मतलब जो हम लोग खुद से करते हैं, जो हाइब्रिड होते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे मार्केट में गेहूं जो है हाइब्रिड आ गया, चावल है, भिंडी है, चाहे कोई भी चीज़ है जो हाइब्रिड के रूप में आते हैं, तो वो आर्टिफिशियली किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब फोर्स इंक्रीजेज, मतलब ताकत लगने पे बढ़ रही है ऑब्जेक्ट का स्पीड, फोर्स 4 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड, तो वर्क डन कितना होगा? इसका आंसर है 24 जूल। तो यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पे जब फॉर्मूले में आप लोग रखेंगे तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन ऑक्सीजन रिलीज इन टू द एयर, कौन से प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है? इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस। तो सभी बच्चे जानते हैं कि ये प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स अपने खाने को प्रिपेयर करता है ऑटोमेटिकली, इसमें कोई भी अदर सोर्स की जरूरत नहीं होती है, ये खुद से अपने खाने को बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो कि मैंने पीछे भी बताया आपको। और मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द सेल, मतलब जो भी मूवमेंट होता है ये ऑक्सीजन का सेल्स में जाते हैं, जो हम सांस लेते हैं उसको रेस्पिरेशन कहा जाता है। ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऑक्सीजन से ही किसी भी सेल्स का विकास होता है या फिर सेल्स ख़त्म होते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे लिए इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कौन सा मेटल स्टीम से रिएक्ट करता है भाप से मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए? इसका आंसर है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो है वो स्टीम से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है Al2O3 और हाइड्रोजन H2 रिलीज करता है। तो एल्यूमिनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, ये स्टीम से रिएक्ट करता है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है, यानी कि चुंबकीय पावर जो है इसमें नहीं होता है, डक्टाइल होता है, मतलब इसको हम लोग थिन वायर्स के रूप में बना सकते हैं, बहुत ही लंबा कर सकते हैं।
एंड इट नेवर इन अ मेटालिक फॉर्म इन नेचर, मेटल फॉर्म में नेचर में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन जो है, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन, इसका आंसर है नैनोमीटर। तो एटॉमिक रेडियस मेजर करने के लिए हम लोग जो मापदंड का इस्तेमाल करते हैं वो है नैनोमीटर, और नैनोमीटर जो है वो 10 10 से 9 के बीच में रेंज में होता है, और पिकोमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, पिकोमीटर जो है 10 से 12 के बीच में होता है इसका रेंज। ये इसका जो नैनोमीटर का सिंबल है NM है, और पिकोमीटर का जो सिंबल है वो PM है। ये जब पीरियोडिक टेबल आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो एटॉमिक रेडियस जो है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर द मैच्योर स्पर्म आर प्रोड्यूस, मैच्योर स्पर्म कहाँ बनता है। इसका आंसर है टेस्टिस। तो टेस्टिस में जो है मैच्योर स्पर्म बनता है, इसमें टाइम लगता है जब स्पर्म प्रोड्यूस होता है मैच्योरिटी में, तो जब वहाँ पे ये एक लेवल पे ट्रेवल करता है सेमी फॉर्मस ट्यूबल से इपिडाइडिमिस इनटू वास डिफेंस में जाता है, और ये सारे प्रोसेस में 9 से 10 सप्ताह का टाइम लगता है तो मैच्योर स्पर्म बनने के लिए, ताकि रिप्रोडक्शन हो सके और अपने आप स्पीसीज को आगे बढ़ा सकें। अगला क्वेश्चन है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इन डेंसर मीडियम इज टर्म्ड एज, इसका आंसर है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन जब बच्चों लाइट रेज जो है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, झुक जाता है, और जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में निकलेगा तब वो नॉर्मल से अवे बेंड होगा, ताकि इंसिडेंट रे जो है और इमर्जेंट रे है वो पैरेलल हो। तो डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम में क्या अंतर है बच्चों, डेंसर मीडियम में ऑब्स्टेकल्स इतने होते हैं कि लाइट जो है वो बेंड हो जाता है, लाइट परफेक्टली एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो नहीं करता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लाइट का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, पर लेकिन जब वो डेंसर मीडियम में जाता है तब वो बेंड हो जाता है, इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसमें स्नेल्स लॉ जो था उन्होंने रिलेशन दिया था एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब लाइट रे इंसिडेंट करता है डेंसर मीडियम पे एंड रिफ्रैक्शन के बीच में रिलेशन है N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू N2 साइन थीटा 2। तो N1 जो है इंसिडेंस इंडेक्स को यहाँ पे रखेंगे हम लोग, N2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और साइन थीटा 1 इंसिडेंट एंगल है, और साइन थीटा 2 रिफ्रैक्टेड एंगल है। अगला क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर ऑफ द आइटम दैट बिकम्स स्टेबल बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ सेल, तो फिफ्थ सेल का कौन सा एलिमेंट है जो कि 3 इलेक्ट्रॉन अगर उसको दे दिया जाए तो वो स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल आप लोग जानते हैं जितने भी नोबल गैसेस हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हुए हैं लास्ट सेल में और वो स्टेबल हैं। इसका आंसर है 51 एटॉमिक नंबर जो है वो फिफ्थ सेल में है, जो कि एंटीमनी का है, इसका सिंबल SB है, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 और 5p3। जो भी p ऑर्बिटल के एलिमेंट हैं, जो p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो स्टेबल होना चाहते हैं, अगर उसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड, इसका आंसर है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, मेल पार्ट एंथर से फीमेल पार्ट स्टिग्मा में पोलन जाता है, ट्रांसफ़र होता है, और वहाँ से ओवरी में जाके रिप्रोडक्शन होता है। तो पॉलिनेशन जो है ये फ्लावर और पोलन वेक्टर के बीच का इंट्रैक्शन है, जो कि सबसे पहली बार 18 सेंचुरी में क्रिश्चियन कोनार्ड स्पेंजल के द्वारा नोटिस किया गया था, उन्होंने ही इसका इन्वेंशन किया था। अगला क्वेश्चन है, सिक्रेशन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड एंटर्स इनटू द, इसका आंसर है यूरेथ्रा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है वो स्पर्म को नरिश करता है, विकास करने में हेल्प करता है और उसे बचा के भी रखता है, लेकिन जब इसका इजेकुलेशन होता है तो ये स्क्वीज अपने फ्लूइड को स्क्वीज कर देता है यूरेथ्रा में भेज देता है और वो स्पर्म के रूप में बाहर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज,
जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। सभी बच्चे इसका आंसर जानते होंगे और नंबर जरूर जोड़ते चलिएगा। नंबर जोड़ के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका आंसर है पास्कल। तो अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्टेड पर एरिया, जितना फोर्स हम लगाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में वही प्रेशर है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। ये बेसिक फॉर्मूला है, सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम आइटम्स इज नॉन एज। कौन सी एनर्जी हम लोग ऑब्टेन करते हैं आइटम्स का रिएक्शन करा के। इसका आंसर है न्यूक्लियर एनर्जी। तो जो एनर्जी हम लोग एटम से ऑब्टेन करते हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो कि एटम्स के बीच के रिएक्शन होने के बाद हमें मिलता है। और जो एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से मिलता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगा, जिसे हम लोग करंट के रूप में जानते हैं। और जो एनर्जी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा निकलता है वो केमिकल एनर्जी हो गया। और जो एनर्जी सोलर देता है हमें, यानी कि सोलर एनर्जी, उसे थर्मल एनर्जी भी कहा जाता है, हीट। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड दमित्री मेंडलीव फॉर्मुलेटेड। दमित्री मेंडलीव ने क्या बनाया था। तो इसका आंसर है पीरियोडिक टेबल ऑफ ए केमिकल एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट्स हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं उनका जो फॉर्मुलेशन है वो मेंडलीव ने किया था। ये रशियन केमिस्ट है जो कि डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक टेबल के लिए जाने जाते हैं। 1869 में इन्होंने पीरियोडिक टेबल का फॉर्मुलेशन किया था, सारे एलिमेंट्स को एक परफेक्ट जगह दिया था, ताकि पीरियोडिक टेबल जो है जितने भी हम लोग लॉ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी हो गया, एफिनिटी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, ये सारे किस एटॉमिक रेडियस हो गया, ये सारे चीज़ें एक ऑर्डर में या तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेंगे या तो राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करेंगे, इसी तरीके से सारे एक पर्टिकुलर वे में फॉलो करते हैं, ताकि हमको याद करने में आसानी हो, समझने में, किसी भी एलिमेंट्स प्रॉपर्टी को समझने के लिए डायरेक्ट हम किसी सेल में जाके और उसको समझ सकते हैं सिर्फ एक पीरियोडिक टेबल देख के कि इसमें क्या प्रॉपर्टी होगी, इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रिएक्टिविटी कितनी होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कितनी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए एक परफेक्ट पीरियोडिक टेबल इन्होंने बनाया था। अगला क्वेश्चन है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल आई। इसका आंसर 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर जो है वो क्लियर विजन के लिए है। नॉर्मल आई को एकदम साफ दिखेगा और जिसमें डिफेक्ट होगा उसको क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्लियरली, वो है विदाउट स्ट्रेन, मतलब आँख में आपको खिंचाव नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं, दर्द नहीं होना चाहिए, एकदम आपको क्लियरली जो डिस्टेंस पे दिख जाए वो 25 सेंटीमीटर है, नज़दीक पॉइंट। अगला क्वेश्चन जो है हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को कौन बनाया। इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन का डिस्कवरी किया था, जो कि एंटीबॉडीज़ है। तो एंटीबायोटिक जो क्या होता है, एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में भी होता है, जब हमें फीवर हो जाता है या सर्दी, जो वायरस का अटैक हो जाता है, नॉर्मल जो वायरस आते हैं, तो उससे लड़ने के लिए बॉडी भी एंटीबॉडीज़ को बनाती है, खुद ब खुद बना लेती है। और जो एंटीबॉडीज़ बॉडी नहीं बना पाती है उसके लिए हम लोग वैक्सीन्स लेते हैं, ताकि जब कभी वायरस का अटैक हो तो वो एक्टिव हो और एंटीबॉडी हमारे शरीर में बने और उससे लड़ के उसे ख़त्म कर सके। पेनिसिलिन जो है वो चार टाइप का होता है, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, प्रोकाइन पेनिसिलिन और बेंजाथाइन पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोसेट इज इंडियाज फर्स्ट। इसका आंसर है स्पेस ऑब्जर्वेटरी, जो कि PSLV XL के द्वारा लॉन्च किया गया था 28 सितंबर को 2015 में। ये मल्टी वेवलेंथ, ये पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैड डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का कंसेप्ट किन्होंने डिफाइन किया था, किसने डिफाइन किया था।
इसका आंसर है आर्थर टेंसली। तो जो आर्थर टेंसली थे 1935 में इन्होंने इसका डिफिनेशन दिया था, इसको डिफाइन किया था इकोसिस्टम को प्रॉपरली, जो कि बायोलॉजिकल इकोलॉजिस्ट है ये। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, WBC का मेन पर्पज क्या है। ये सभी को पता होगा कि हमारे ब्लड में WBC, RBC और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब मौजूद है, तो WBC का मेन पर्पज क्या है। इसका आंसर है टू कॉम्बैट इन्फेक्शन, मतलब जो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होते हैं उससे लड़ने में हमें ये हेल्प करता है। वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जो है, इसको लीकोसाइट भी कहा जाता है, जो कि इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो इम्यून सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जिस यानी कि लड़ने की क्षमता। किसी भी बीमारी अगर हमें अटैक करती है या वायरस हमारे शरीर में चले जाते हैं तो उससे लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एंटीबॉडीज बना सके और उस वायरस से लड़ सके। जैसे अभी कोरोना वायरस में जो है बहुत लोगों का इम्यून सिस्टम वीक हो गया था और जिनका मजबूत था उन्होंने उस चीज़ को झेल लिया था। तो इम्यून सिस्टम बूस्टअप के लिए बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है मार्केट में, ये सभी जानते होंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस, जो रेडिएशंस होते हैं उसके वेवलेंथ का ये करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो इसका आंसर है इंफ्रारेड, ग्रीन, अल्ट्रावायलेट एंड हार्ड एक्सरे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है, यानी कि मच्छर की वजह से नहीं होता है। इसका आंसर है स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस उसको बोलिए या फिर अफ्रीकन ट्राइपोनोसोमाइसिस बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। ये जो डिजीज़ है ये पैरासिटिक डिजीज़ है, जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में मौजूद होते हैं, ये दोनों में होते हैं। ये प्रोटोजोवा के वजह से होता है, या फिर इसको कह सकते हैं जो स्पीसीज़ है ट्राइपोनोसोमा ब्रूसुई, इसके कारण होता है। ये दो टाइप्स के होते हैं प्रोटोजोवा, ट्राइपोनोसोमा ब्रूसुई गैम्बिन्स TBG और ट्राइपोनोसोमा ब्रूसुई रोडोसिन्स TBR। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन न्यूक्लियस रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर, इनमें से कौन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जिसको देख के हम डायरेक्टली जान सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर इतना होगा किसी भी एलिमेंट का। इसका आंसर है प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स जो हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर अगर किसी भी एटम्स का आपको पता करना है तो अगर उसके अंदर प्रोटॉन्स कितना है ये पता है आपको, तो इससे आपको डायरेक्टली मालूम चल जाएगा कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी एलिमेंट का, ताकि उसका पीरियडिक टेबल में जगह हम लोग मालूम कर सकें। अगर एटॉमिक नंबर हमको पता है तो पीरियडिक टेबल में उसका प्लेस कहाँ होगा ये हम पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ बैक्टीरिया इज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं यानी कि कन्वर्ट करते हैं सिंपलर फॉर्म में, ताकि उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सके या जिसको ज़रूरत हो उसको एब्जॉर्ब कर सके। आप ये जानते होंगे कि जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से नहीं लेते हैं, वो डिजॉल्व फॉर्म लेते हैं उसका, कन्वर्टेड फॉर्म, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है राइबोसोबियम। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में, और जो सेलोमोना बैक्टीरिया है ये टिपिकली जो है ये एनिमल और ह्यूमंस के इंसेस्टाइन में रहते हैं वहाँ पे, और ह्यूमंस बिकम इन्फेक्टेड थ्रू अ कंटामिनेटेड वाटर और फूड से इन्फेक्ट हो जाते हैं। और जो ई कोयली बैक्टीरिया है ये पाए जाते हैं एटमोसफेयर, फूड एंड इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। स्यूडोनोमास जो है ये बैक्टीरिया जो है इन्फेक्शंस को क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर अंडर सर्टन सर्कमस्टेंटेस, यानी कि ये बीमारी को पैदा करता है। और राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन को एक प्रोसेस के थ्रू मॉलिक्यूल नाइट्रोजन बदल देता है अमोनिया में, ताकि वो नाइट्रोजनियस कंपाउंड जो मिट्टी में मिल जाते हैं और उससे प्लांट्स उसको ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रोब टू अ क्यूपर बेल्ट बॉडीज, इसका आंसर है न्यू होरिजन। तो न्यू होरिजन जो है ये एक प्रोब है जो कि क्यूपर बेल्ट
के बॉडीज को बिलोंग करता है। तो न्यू होरिजन जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था 2006 में, ये स्पेस प्रोब है। तो प्राइमरी मिशन जो था उनका फ्लाई बाई स्टडी ऑफ प्लूटो सिस्टम, प्लूटो सिस्टम के बारे में स्टडी करने के लिए 2015 में, और सेकेंडरी जो इनका मिशन था स्टडी मोर अबाउट क्यूपर बेल्ट बॉडीज, तो जो कि प्लूटो उसका हिस्सा है क्यूपर बेल्ट बॉडीज का, तो उसके बारे में स्टडी करने के लिए उनका दूसरा मिशन था सेकेंडरी पर्पज। और ये फिफ्थ स्पेस प्रोब है जो कि सक्सेसफुली वेलोसिटी को पार करके इजेक्ट हुआ था सोलर सिस्टम में। अगला क्वेश्चन है मेडिकल ड्रग्स जो हम लोग लेते हैं दवाइयाँ, वर्क्स इन ह्यूमन बॉडी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किस तरीके से वो काम करता है। इसका आंसर है करेक्टिंग अ केमिकल रिएक्शन, जो भी गड़बड़ी हमारे बॉडी में हो चुकी है रिएक्शंस की वजह से विद इन अ बॉडी, उसको करेक्ट करके और डिजीज को हटाता है, यानी कि रोगों के लिए जिम्मेदार शरीर के भीतर रासायनिक प्रतिक्रियाओं को ठीक करना। तो जो भी हमारे बॉडी में डिजीज हो चुकी है जिस केमिकल रिएक्शंस के डिसबैलेंसिंग के कारण, गड़बड़ी के कारण, तो उस केमिकल रिएक्शन को जब हम ड्रग्स लेते हैं उसको वो ठीक करता है, करेक्ट करता है, ताकि वो बैलेंस कर सके और डिजीज़ जो है धीरे धीरे ख़त्म हो सके। अगला क्वेश्चन है अ ह्यूमन एडल्ट्स एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारा माउथ टू एनस कितना लंबा होता है। इसका आंसर है 9 मीटर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे ख़त्म होता है ये 30 फीट लंबा होता है, यानी कि 9 मीटर, जिसमें हम लोग जो ये हमारा इतना लंबा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें इजोफेगस होता है यानी कि फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन होता है। तो इंटेस्टाइन जो है दो टाइप के होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लास्ट में जो है एनस होता है, यानी कि माउथ टू एनस जो है ये काफ़ी लंबा होता है 9 मीटर का, 30 फीट का, जिससे हमारा सारा डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है। जो भी खाना हम लोग अंदर लेते हैं वो डाइजेस्ट होके उसे न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करके न्यूट्रिशन के रूप में बॉडी में दिया जाता है, ताकि जो सेल्स हैं हमारे सेल्स को एनर्जी प्रॉपर मिल सके और वो हमारे डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। अगला क्वेश्चन है गैल्वनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच लेयर ऑफ जिंक इज अप्लाइड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम, किससे बचाने के लिए जिंक का लेयर हम लोग किसी मेटल में लगाते हैं। इसका आंसर है रस्टिंग। तो किसी भी मेटल को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर हम लोग जिंक की परत चढ़ाते हैं ताकि हम उसको बचा सकें, जैसे कि आयरन। तो गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जिंक की परत चढ़ाते हैं, आयरन हो गया या किसी भी चीज़ जिसमें जंग लग सकता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए, ताकि वो ख़त्म ना हो जाए। सारे बच्चों ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया होगा, हमें नंबर जोड़ के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि ये आइडिया मिल सके कि आप लोग के लिए और किस तरह के क्वेश्चंस लेके आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।